खबर कसरावत से, भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक पदार्थ खरगोन पुलिस द्वारा जब्त। कसरावत क्षेत्र के बेगंदी मिर्जापुर रोड ग्राम मिर्जापुर के पास एक बुलेरो पिकअप क्रमांक MP09GF8771 खड़ी मिली। पिकअप में विस्फोटक सामग्री जिलेटिन टोटे व वायर से भरे हुए खोखे रखे हुए थे। वह पिकअप में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कहीं अवैध रूप से विस्फोटक करने या किसी को विस्फोटक सामग्री बेचने के उद्देश्य से आए हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए अनुभागीय अधिकारी पुलिस अनुभाग मंडलेश्वर ध्रुवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में व थाना प्रभारी बलकवाड़ा वरुण तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे, जहां रोड के किनारे से देखने पर एक पिकअप दिखी जिसमें दो व्यक्ति बैठे थे, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा। पिकअप वाहन की तलाशी लेते वाहन में 2000 नग जिलेटिन रॉड, फ्यूज वायर 8 नग व AED 300 नग वाहन में रखी मिली। वाहन में रखी सामग्री के वैध दस्तावेज या लाइसेंस के बारे में पूछने पर कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर विस्फोटक सामग्री को विधिवत जब्त किया गया। विस्फोटक सामग्री के संबंध में पूछने पर सामग्री को बेचने के लिए आना बताया। निर्देशन में थाना प्रभारी बलकवाड़ा वरुण तिवारी द्वारा दिनांक 25/5/2021 को मुखबिर की सूचना पर मिर्जापुर रोड पर अवैध रूप से विस्फोटक बेचने जाते हुए आरोपी देवी सिंह उद्दावत पिता रडमल सिंह उद्दावत निवासी राजस्थान व शोभालाल पिता बद्रीलाल जाट निवासी राजस्थान को विस्फोटक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है। विस्फोटक पदार्थ में 10 कार्टून जिलेटिन जिसमें 2000 नग थे, 2 बिंडल वायर के, 6 पैकेट ED वायर के जब्त किए गए हैं। मैं बुलेरो पिकअप के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना पर विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। उनकी निशानदेही पे आरोपी भारत पिता छोटिया जमरे निवासी दगड़के को गिरफ्तार किया गया है। तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। प्रकरण तीनों आरोपियों के विरुद्ध थाना पर विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। खबर भारतवर्ष के लिए कसरावत से सुरेंद्र जमरे की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।